दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 30 सितंबर सन 2024 सोमवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ब्राजील, जो कि विश्व में सोयाबीन के उत्पादक में प्रमुख स्थान रखता है, वहां सोयाबीन की फसल को सूखे का खतरा हो गया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि देश दुनिया की खबर आज तक सबसे पहले पहुंचाई जाए। यदि आप कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार की हर महत्वपूर्ण खबर को लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा साप्ताहिक अखबार ग्लोबल बिजनेस न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जो मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है और आपको व्हाट्सएप पर हर सप्ताह उपलब्ध हो सकती है। उसके लिए आज ही संपर्क करें। साथ साथ तिलन, दलहन, मसाला, कपास, अनाज, इन सभी की विशेष रिसर्च एडवांस रिपोर्ट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया है, आप तुरंत चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि दुनिया का सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक देश ब्राजील को लंबे समय से जारी सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यदि अक्टूबर में बरसात की संभावना कम है और जिससे ब्राजील के पश्चिम मध्य, दक्षिण पूर्व और दक्षिण ब्राजील के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में संकट बढ़ता जा रहा है। इस साल की 7वीं हीट वेव ने हालत को और विकट कर दिया है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दूसरी ओर मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि वायुमंडलीय बाधाओं के कारण बादल नहीं बन पा रहे हैं, जिससे सूखे से राहत की संभावना बहुत कम है। 26 सितंबर को एक ठंडा मोर्चा और पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ बरसात ला सकता था, लेकिन विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि सूखे की स्थिति पलटने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा। अमेजन से आने वाली नमी मध्य अक्टूबर तक मकई उत्पादक क्षेत्रों के लिए बरसात ला सकती है, लेकिन सोयाबीन की फसल को में अभी भी खतरा बाकी है। दूसरी ओर मोंटो ग्रोसो में बुआई में देरी होने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि मोंटो ग्रोसो, जो ब्राजील का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, वहाँ सोयाबीन की बुआई को देरी को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। सूखे से प्रभावित खेतों की मिट्टी किसानों को फसल बुआई टालने के लिए मजबूर भी कर सकती है, क्योंकि बेहतर मौसम की किसान प्रतीक्षा कर रहे हैं। 20 सितंबर तक केवल 0.27 फसल की बुआई हो पाई थी, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम बताई जा रही है। दूसरी ओर ब्राजील इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, जिसे IMEA कहा जाता है, साल 2024-25 सीजन के लिए अपनी सोयाबीन उत्पादन के प्री एस्टिमेट को कम कर दिया है और बड़ी उत्पादन लागत और अनिश्चित बाजार मूल्यों के कारण किसानों पर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर ब्राजील के राष्ट्रीय आपूर्ति कंपनी के अनुसार मोंटो ग्रोसो में 2023-24 सीजन के लिए सोयाबीन उत्पादन में 15.74% की बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया गया है। गौरतलब है कि बुआई क्षेत्र में मामूली वृद्धि है, लेकिन कुल उत्पादन में 13.72% की गिरावट की भी संभावना है। इतिहास ये भी कहता है कि यह क्षेत्र अलनीलो और लानिनो जैसे मौसम चक्रों से निपटने में सफल रहा है, लेकिन इस साल सूखे की लगातार बनी रहने की स्थिति के कारण ब्राजील के सोयाबीन क्षेत्रों के लिए बड़ा खतरा साबित हो रही है। दोस्तों दूसरी ओर भारत की खरीफ सीजन की सोयाबीन की फसल बाजारों में आने के लगातार समाचार मिल रहे हैं और आने वाले लगभग 1 से 1.5 महीने में भरपूर फसल सोयाबीन की बाजारों में उपलब्ध रहेगी। दूसरी ओर भारत के किसान सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और सरकार से अपील और आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारत ने 20% अतिरिक्त निर्यात ड्यूटी भी लगाई है खाद्य तेलों के आयात के ऊपर। कुल मिलाकर अभी स्थिति बिल्कुल नाजुक दौर पर पहुंच गई है कि ऊपरी यदि पिछले 1 महीने में देखा जाए तो चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो, पाम तेल हो या फिर दूसरे खाद्य तेल, कैस्टर या उस तेल, इन सभी के अंदर अच्छी तेजी बनी है, जिसका पूर्वानुमान हमने आपको सबसे पहले दिया था। दोस्तों अब खाद्य तेल एक निर्णायक मोड़ पे आ गया है। याद कीजिएगा, अगला 15 से 20 दिन ये निर्णायक होंगे कि माल खरीदना चाहिए या रोकना चाहिए, या पिछला जो तेजी मंदी में माल खरीदा गया था, तेजी मिलने पर मुनाफा वसूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। याद रखिए, समय बड़ा बलवान है, स्थिति हर रोज चेंज होती है। जो सूरज 6 बजे उठ के लालिमा देता है और रात और दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच में अग्नि बरसा देता है, वही सूर्य शाम के 6 बजे बाद अपनी शक्ति खो देता है। तो दोस्तों कहाँ
शक्ति है, कहाँ आप कमजोर हैं। बाजार का यही चक्र चलता रहता है और इस चक्र को समझने में जितना अग्रिम अनुमान भारतीय अनुसंधान पद्धति ने लगाया है वो विश्व में दूसरा कोई नहीं है। और यही वजह है कि आज भारत की भारतीय अनुसंधान पद्धति का डंका पूरे विश्व में फैल रहा है, चाहे ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, अमेरिका हो, सोयाबीन या फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ से सभी तेल उत्पादक किसान, स्टॉकिस्ट, बड़े मिल भारतीय अनुसंधान पद्धति पर अब विश्वास और सर्विसेज ले रहे हैं। क्या आपने ट्राई किया है? आज ही संपर्क कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।